सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोगों के विक्रांत एयरक्राफ्ट के बारे में। तो विक्रांत एयरक्राफ्ट आप लोग देखोगे तो हम लोगों का तो पिछले साल ही वो कमीशन हो चुका, तो मैं आज के उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज उसके लिए प्लानिंग चल रही है। सो उसके रिगार्डिंग इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विक्रांत की क्या स्पेशलिटी है। तो अगर हम विक्रांत के बारे में बात करें तो विक्रांत हम लोगों का कोची शिपयार्ड से पिछले साल ही कमीशन हो चुका था। एंड इसकी जो लेंथ के बारे में बात करें तो इट वॉज अराउंड 262 मीटर लेंथ, इट्स ओवरऑल लेंथ। एंड इफ इट्स टॉकिंग अबाउट इट्स ओवरऑल वेथ, इट वॉज अराउंड 45,000 टन्स। कितना बड़ा होगा, ऑफकोर्स आप लोग समझ सकते हो। सो उसके बाद अगर इसकी बात करें कि ये कितने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ अपने साथ लेके जा सकता है, सो इट वॉज अराउंड 30, जिसमें हम लोगों के मेनली जो इन्वॉल्व होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स नेवल के लिए, डैट इज तेजस इन्वॉल्व होंगे और MiG-21 इन्वॉल्व होते हैं। जो हम लोगों का ये एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रांत, ये जो है हम लोगों का स्टूबा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो वॉट इज स्टूबा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर? सो स्टूबा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो आगे से अपवर्ड होती है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में अंतर है। अगर हम इसी तरीके से बात करें US की जो जेराल्ड है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी जो ओवरऑल फ्लोर है वो स्ट्रेट है, डैट इज फ्लैट है, ठीक है। सो अगर हम बात करें अपनी, अभी जो मैं इसलिए मेनली इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, डैट इज़ की जो हम लोगों का जो विक्रांत था उसके पास जो थर्ड जो हम लोग का विक्रांत था, डैट इज़ अ सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो हम लोग के पास था। हम लोगों का इंडिया अभी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम चल कर रहा है, डैट इज़ अ विशाल एयरक्राफ्ट, INS विशाल पे भी काम चल रही है। एंड INS विशाल जो हम लोग का है वो कैटापुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, जो USS की जो जेराल्ड है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो फ्लैट है, फ्लैट मतलब वो जो फ्लैट टाइप ऑफ डिजाइनिंग वाली होती है उनको हम लोग कैटापुलेट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। तो उसी तरीके का जो है अभी इंडिया भी डेवलप करने के लिए जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें दिखाया हुआ मैं जो हम लोगों का जो रफेल टाइप ऑफ नेवल जो हम लोग का फ्रांस से हम लोग अब यहाँ पर इम्पोर्ट करने वाले हैं, वो हम लोगों का विशाल जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर ही जाकर के शिफ्ट होने वाला है। सो यही इन्फॉर्मेशन था मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जानते हो कि चाइना का सबसे लार्जेस्ट कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। आपको लास्ट के इनके में एक सेकेंड पहले आप लोगों को उसका आंसर पता चल रहा होगा। चलो चलते चलते हैं, जय हिंद।